सरकार जो काम कर रही है सड़कों पे कटीले तार लगा के, सड़कों पे इस तरह से उनके ट्रैक्टरों में पंचर हो जाए, इस तरह का काम तो विदेशी और फिरंगी सरकारों ने भी नहीं किया, और ये इस तरह से कर रहे हैं जैसे दिल्ली में कोई जार बैठा हो। ऐसी सरकार जो खुद ही अपने सड़कों को खोदे, ऐसी सरकार जो खुद ही इस तरह के कटीले तार लगाए, ये शर्म है लोकतंत्र पे। पूरे देश को इकट्ठा हो जाना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार की इस निरपेक्षता का। यही प्राइम मिनिस्टर जब मुख्यमंत्री था तो इसने गुजरात में, अहमदाबाद में और वहाँ जो दंगे हुए, जो निसहाय अनाथ बच्चों को मारा गया धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, तब इसने ये कंक्रीट के तार नहीं लगवाए, जब लोगों को काम नहीं करने दिया। 144 धारा अंग्रेजों ने बनाई थी इस देश के लोगों के अधिकारों का आनंद करने के लिए और उनको डराने के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था जब भी वो बेचारे आवाज उठाते थे। इसलिए देश को सैकड़ों वर्ष लग गया आजाद होने में। हम इस देश में ये धारा 144 का विरोध करते हैं। ये जो प्रेसिडेंट है आदित्य अग्रवाल, ये एक तरह से गोदी प्रेसिडेंट हो गया है, सरकार के इशारे पे काम करता है, ये सरकार का चमचा बना हुआ है। हो सकता है इसको भूख हो कोई राज्यसभा की सीट की या किसी और चीज की, तो ऐसे प्रेसिडेंट का भी हम विरोध करते हैं, भर्सना करते हैं। ये किसानों की बात नहीं है, ये इस देश में राइट टू एक्सप्रेशन की बात है। पूरा देश गूंगा हो गया है, ईडी और इनकम टैक्स लगा के इस देश में काला कानून बनाया गया है। इस सरकार में के लोगों को एक साल तक भी जेल में रखा जा सकता है। उन्होंने एसीबी का लेटर हेड किसी चमचागिरी में किया है, किसी के इशारे पे किया है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिसगाइड करने का काम किया, प्रभाव डालने का काम किया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड या दूसरे जज किसानों के खिलाफ कार्रवाई करें। किसानों के आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन को वकील समाज का पूरा समर्थन के बारे में, और यहाँ पर हमारे एक यहाँ एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट में, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। उसके एक प्रेजिडेंट हमारे एट प्रेजेंट मिस्टर आदित्य अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल ने बिना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में रिजोल्यूशन पास किए और बिना उनकी सलाह के एक लेटर चीफ जस्टिस को दिया, और जो लेटर सभी अखबारों को और मीडिया को भी दे दिया और वायरल किया वो पूरा का पूरा, और उसमें ये कहा गया ये दोषी किसानों के खिलाफ, यानी ये जो गैरकानूनी काम कर रहे हैं इनके खिलाफ सो मोटो एक्शन ले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को उन्होंने लेटर लिखा है। हम उस लेटर की भर्सना करते हैं, और आज बार एसोसिएशन में मैक्सिमम मेंबरों ने उसकी भर्सना की है और एक सिग्नेचर अभियान चलाया है कि आदित्य अग्रवाल को प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाए। उसके लिए जनरल बॉडी होगी और उसमें सारे मेंबरों की एक मीटिंग होगी, और उसको क्योंकि वह इस स्टेज को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बिना बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के, बिना एग्जीक्यूटिव कमेटी के कोई रिजोल्यूशन यूज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लेटर हेड उन्होंने मिसयूज किया, गैरकानूनी काम किया है, ये तो उन्होंने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को चंद्रचूड़ को कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई करो सुओ मोटो, इसकी हम भर्सना करते हैं। उन्होंने ये बहुत नॉनसेंस काम किया है, अपने उनकी जो हमने उनको ड्यूटी दी हुई है वो ड्यूटी ना करके वो पॉलिटिकल एजेंडा खुद चलाए हुए हैं। वो सरकार से कुछ लाभ का पद पाना चाहते हैं, हो सके राज्यसभा की सीट पर कहीं नज़र हो इस आदमी की। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, साथियों ने, वकीलों ने, सब ने मिल के, जिसमें मुख्य तौर पर मैं भी शामिल हूँ, हमने एक सिग्नेचर अभियान चलाया इसमें आदित्य अग्रवाल को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के लिए। एससीबीए का कोई पदाधिकारी देश के नागरिकों के हित की तो बात कर सकता है, अगर कुछ बात भी करनी है तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो कमेटी होती है वो मीटिंग करती है, एजेंडा रखा जाता है, उस एजेंडे में कोई फैसला लिया जाता है तब उसको बाहर किया जा सकता है, तब उस लेटर को लिखा जा सकता है, वरना ही वॉज नॉट अथोराइज टू यूज़ द एससीबीए लेटर हेड। उन्होंने एससीबीए का लेटर हेड किसी चमचागिरी में किया है, किसी के इशारे पे किया है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिसगाइड करने का काम किया है, प्रभाव डालने का काम किया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड या दूसरे जज किसानों के खिलाफ कार्रवाई करें। हम इसकी भर्सना करते हैं, उनका विरोध करते हैं, और फ्यूचर में जल्द ही उनको अध्यक्ष पद से हटाने का काम करेंगे हम सब लोग। दूसरा, साथियों, जो भी सरकार जो काम कर रही है सड़कों पर कटीले तार लगा के, सड़कों पे इस तरह से उनके ट्रैक्टरों में पंचर हो जाए, इस तरह का काम तो विदेशी और फिरंगी सरकारों ने भी नहीं किया, और ये इस तरह से कर रहे हैं जैसे दिल्ली में कोई जार बैठा हो। सभी वकीलों में ये चर्चा है जैसे कोई दिल्ली पे किसी जार का कब्जा हो गया, जैसे रूस में जार का कब्जा था और लोगों ने उखाड़ फेंका था, न केवल जार को, उसके पूरे परिवार को भी उखाड़ फेंका था। आज हालात ऐसे पैदा कर दिए, ये सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं अब रही, क्योंकि इसका कोई भी काम डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील इसका विरोध करते हैं, और किसान समाज को और उनके फंडामेंटल राइट को, उनका राइट टू एक्सप्रेशन को, और उनका मार्च निकालने के अधिकार को, इकट्ठा होने के अधिकार का पूरा समर्थन करते हैं। 144 धारा अंग्रेजों ने बनाई थी इस देश के लोगों के अधिकारों का हनन करने के लिए और उनको डराने के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था जब भी वो बेचारे आवाज़ उठाते थे। इसलिए देश को सैकड़ों वर्ष लग गए आज़ाद होने में।
हम इस देश में ये धारा 144 का विरोध करते हैं, फ्यूचर में नए कानून में इसको कैंसिल किया जाए इस धारा को। ये धारा एकदम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के हित में नहीं है, ना ही हमारे प्रियम्बल के अनुरूप है, संविधान के प्रियम्बल में। और संविधान का प्रियम्बल सबको और फंडामेंटल राइट ये पूरा आज़ादी देते हैं कि कोई भी आदमी इकट्ठे हों, इकट्ठे होकर अपनी बात करें शांतिपूर्वक तरीके से। और किसान इस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट आदित्य अग्रवाल ने कहा, जो बेवकूफ़ी की उन्होंने, उन्होंने क्या कहा, ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उनको ये समझ में नहीं आया। उन्होंने ये नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट या लेटर जो लिखा, उस बेवकूफ़ को ये समझ में नहीं आया कि भाई वहाँ पर किसान आंदोलन में इस वक्त जो लोग शामिल हैं, उन्होंने क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जो नॉन पॉलिटिकल लीडर हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वही इसमें अगुवाई करेंगे। इसलिए ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है किसानों का। और दिल्ली में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ चल सकती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की इतने करोड़ों की गाड़ियाँ यहाँ चल सकती हैं, उससे बहुत कम कीमत का ट्रैक्टर दिल्ली में चलने में क्या मनाही है। कोई भी व्हीकल एक्ट, देश का कोई भी यातायात कानून इस पर पाबंदी नहीं लगा सकता, ना कोई पाबंदी है कि वो ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकते। वो सारे के सारे पोल्यूशन का नॉर्म भी फॉलो करते हैं, और जो कि कानून है उसके तहत वाले ट्रैक्टर हैं उनको दिल्ली में आने से क्यों रोका जा रहा है। दिल्ली में ये बाड़ लगा के, कटीले तार लगा के अगर पूरी दुनिया देखेगी तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का नंबर जीरो आएगा दुनिया के नेताओं में, कि इस तरह की निरकुंशता जो बरती जा रही है देश के किसानों के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए। उन्होंने 13 महीने भी चुप रह के बैठे थे, और 13 महीने में माफ़ी मांगी थी प्राइम मिनिस्टर ने देश से। तो देश को भी ये दिखाई देना चाहिए कि अपने किसानों के साथ खड़े हों और किसानों का समर्थन करें। ये कुछ मीडिया, जो बिका हुआ मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जो देशद्रोही मीडिया जिसको अब समाज कहने लगा है, वो सारा का सारा दूसरे चीज़ें चलाने पर बिजी है, दूसरी चीज़ों को चलाना चाहता है और किसानों के खिलाफ देश को करना चाहता है। अभी भी एक रिपोर्ट किसी ने मेरे को भेजी थी नेशनल दस्तक के, उसने कि कोई आदमी आ रहा था ब्रेन हेमरेज का, वो मर गया, फलाना हो गया। अरे भाई किसने कहा है उसको साइड, किसान तो सबको साइड दे रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं। अगर कटीले तार या कोई सड़क का बाधा की है, सड़क खोदी है, ऐसी सरकार जो खुद ही अपने सड़कों को खोदे, ऐसी सरकार जो खुद ही इस तरह के कटीले तार लगाए, ये शर्म है लोकतंत्र पे। पूरे देश को इकट्ठा हो जाना चाहिए और मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार की इस निरकुंशता का। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, बीजेपी में जो अच्छे लोग हैं वो चुप हैं, गूंगे हैं, उनको बोलना चाहिए, किसानों के साथ आना चाहिए। और अपोजिशन अब खुल के समर्थन दे रही है, उनको और खुल के आ जाना चाहिए। पूरे देश के किसानों से भी आह्वान है, किसी तरह से भी आप लोगों की आवाज़ नहीं दबने देंगे। वकील बिरादरी, वकील समाज आप लोगों के साथ है। और इवन हमने ये काम सिग्नेचर अभियान करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट का, एक तरह से आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कह रहे हैं, हमारा ये जो प्रेजिडेंट है आदित्य अग्रवाल, ये एक तरह से गोदी प्रेजिडेंट हो गया है, सरकार के इशारे पर काम करता है, ये सरकार का चमचा बना हुआ है। हो सकता है इसको भूख हो कोई राज्यसभा की सीट की या किसी और चीज़ की, तो ऐसे प्रेसिडेंट का भी हम विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और उसका तो अब कुछ दिनों में आपको पता भी चल जाएगा, जो जनरल बॉडी मीटिंग होगी, पूरा रोष है बाहर के अंदर। और किसानों को, पूरे देश के किसानों के, आप लोगों का हक है पूरा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से, हिंसा में बिल्कुल शामिल ना हो, और सरकार की नाकों में चने चबवाओ, और आप लोग चबवा सकते हो, क्योंकि पूरा देश आज बिजी है रोजी रोटी और महंगाई के ज़माने में अपना गुजारा करने में। ये किसान लोग ही हैं, मजदूर लोग ही हैं, जो सड़क पे आ सकते हैं, जो लगातार पसीना बहाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, वही लोग निरंकुश सरकारों का विरोध कर सकते हैं, उन्हीं में हिम्मत होती है। इसलिए किसानों के साथ पूरा देश है, पूरी वकील बिरादरी है। आप सब लोगों का भी धन्यवाद कि इस वार्ता में आप शामिल हुए, और किसानों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, आप सब उनका सहयोग दीजिए। ये किसानों की बात नहीं है, ये इस देश में राइट टू एक्सप्रेशन की बात है। पूरा देश गूंगा हो गया है, ईडी और इनकम टैक्स लगा के इस देश में काला कानून बनाया गया है इस सरकार में, कि लोगों को 1 साल तक भी जेल में रखा जा सकता है। ये अपने आप में हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें लेना चाहिए सो मोटो एक्शन, कि देश के लोगों को तुम अपराधी घोषित करके 1 साल जेल में रखोगे, उनको जमानत नहीं दोगे, ये गैर कानूनी है। इस कानून को ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार को जवाब देगी। अब सरकार लगी हुई है, उनका सारा का सारा हर बात में ध्यान है कि कैसे सीटें आ जाए, दोबारा सत्ता पे कब्जा हो जाए, पूरा देश जागरूक हो रहा है। इस बार देश अपोजिशन के भरोसे नहीं है, इस बार है एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ देश की जनता, जिसमें किसान मजदूर हर तरह के लोग शामिल हैं। इसलिए जनता इलेक्शन लड़ेगी, जैसे इमरजेंसी में जनता ने इलेक्शन लिया, लड़ा था, और धराशायी करेगी कुछ लोगों को, और जो आवाज़ नहीं बोल रहे, जो लोग नहीं बोल रहे
इवन जो पार्लियामेंटेरियन है, जो इनके मंत्री संतरी हैं, अरे कैबिनेट बनाई थी, कैबिनेट गूंगे रहने के लिए बनाई थी कि कैबिनेट का जवाबदेही पूरे देश के प्रति है कि देश के प्रति वो सलाह दे, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ें और प्राइम मिनिस्टर को कहें आप ये गलत काम कर रहे हो, हम इसका विरोध करते हैं। कैबिनेट को अपने गृह मंत्री का भी विरोध करना चाहिए जो इस तरह की जरूरत कर रहे हैं और अपने स्टेट गवर्नमेंट से इस तरह का काम करवा रहे हैं। इवन हरियाणा गवर्नमेंट ने भी गलत काम करी है, उनका भी हम इस बात में विरोध करते हैं कि वो ह्यूमन राइट का वायलेशन ना करे, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना करे, संविधान के अनुरूप चले। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर चंद दिनों के हैं, ये चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, चेहरे बदलते रहते हैं। कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, वो ज़्यादा जिम्मेवार होना चाहिए, उसको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाती है। और ये देश में राजा का राज नहीं है, ये शासन नहीं है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसका नाम है व्यवस्था। इसलिए व्यवस्था के लिए जो काम जरूरी है वो काम करने चाहिए। ऐसे अगर तुमने लगाने थे तो यही प्राइम मिनिस्टर जब मुख्यमंत्री था तो इसने गुजरात में, अहमदाबाद में और वहाँ जो दंगे हुए, जो निसहाय अनाथ बच्चों को मारा गया धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, तब इसने ये कंक्रीट के तार नहीं लगवाए। जब लोगों को काम नहीं करने दिया, फौज को भी काम नहीं करने दिया, पुलिस को भी काम नहीं करने दिया, हमारे यहाँ ज़्यादातर वकील अभी ये कह रहे हैं, ज़्यादातर वकील पूछ के देखो आप लोग सभी, कि हत्यारों की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। इसलिए एकजुट होना पड़ेगा देश को, और देश किसान डरने वाले लोग नहीं होते, ना मजदूर डरने वाले लोग होते हैं, बाकी लोग अपने काम में पूरे देश का सपोर्ट है। मैं देख रहा हूँ दिल्ली के लोग कामकाजी हो सकते हैं, बीजी हो सकते हैं, मगर किसान और मजदूरों को हितों के लिए वो बहकावे में नहीं आएंगे, ना तो गोदी मीडिया के बहकावे में आएंगे, ना उनके लोगों के जो गलत गलत नैरेटिव और स्टोरियाँ चलाने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों को उनकी स्टोरियों को धराशायी करना है, आपका पूरा सहयोग चाहिए किसान समाज को, आप सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है इस देश का, बाकी गोदी मीडिया बिका हुआ है, उनका इलाज होगा सरकार चेंज होने के बाद, कानून उनके खिलाफ लाना पड़ेगा, न कि सोशल मीडिया को बंद करने के लिए। सोशल मीडिया को पावर देनी पड़ेगी और सारे वो सारे पहचान पत्र देने पड़ेंगे कि सोशल मीडिया भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी जा सके। इसके लिए हम आप लोगों का समर्थन करेंगे और ये मांग रखेंगे और उसको अमली जवामा पहनाएंगे। आप चिंता मत करो, आने वाली सरकार में सोशल मीडिया के भी उसी तरह से बनेंगे, उनके आपके सब्सक्राइबर को देख के, कि आप पार्लियामेंट में भी जा सको, सुप्रीम कोर्ट में भी आ सको, हाई कोर्ट में भी आ सको, फिर इनको मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी, अपने आप लोग इनको धक्का मारेंगे जहां भी ये होंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में होंगे चाहे कहीं भी होंगे, क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं झूठी खबर वालों को। तो आप लोगों का सबका धन्यवाद। अब कोई